तिरुमाला 1969, जब शास्त्रों ने तीर्थ को बचाया, आंध्र प्रदेश की सात पहाड़ियों की छोटी पर घिरती धुंध और हरे भरे जंगलों के बीच तिरुमाला विष्णु के दयालु स्वरूप भगवान श्रीनिवास का निवास स्थान है। 1969 में श्री पीवीआर के प्रसाद के टीटीडी कार्यकारी अधिकारी की भूमिका संभालने के एक साल बाद तिरुमाला को अभूतपूर्व जल संकट का सामना करना पड़ा। अगस्त तक सूखे की गंभीरता के कारण गोगर्भम जलाशय और दो टैंकों सहित महत्वपूर्ण जल स्रोत लगभग समाप्त हो गए थे। उस समय पापनासनम बांध भी निर्माणाधीन था और तीन या चार कुएं जो आमतौर पर पानी की आपूर्ति करते थे वे भी सूख गए थे। उपलब्ध पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के बावजूद बारिश के देवताओं ने नवंबर की शुरुआत तक भी दया नहीं दिखाई। टीटीडी इंजीनियरों ने निष्कर्ष निकाला कि उपलब्ध पानी अधिकतम चार सप्ताह तक चल सकता है और बारिश की संभावना गंभीर लग रही थी। 6,000 की आबादी वाला तिरुमाला प्रतिदिन 25,000 तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। छुट्टियों और उत्सव के दिनों में तो इससे भी अधिक तीर्थयात्री आते थे। इस चुनौती का सामना करते हुए प्रसाद ने उपलब्ध विकल्पों की खोज की। एक विकल्प टैंकरों द्वारा तिरुपति से तिरुमाला तक पानी पहुंचाना था, जबकि दूसरा विकल्प तीर्थयात्रियों से तिरुमाला की यात्रा न करने की अपील करना था। लेकिन फिर एहसास हुआ कि टैंकर के उपयोग से भी अगले 8 से 10 महीनों तक पानी की जरूरतों को पूरा करना असंभव था। समाधान के लिए बेताब प्रसाद ने प्राचीन शास्त्रों की ओर रुख किया और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्री गणपति शास्त्री का मार्गदर्शन मांगा, जो उस समय 90 वर्ष के थे और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पद्म विभूषण की उपाधि धारण कर चुके थे। तीर्थयात्रियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रसाद शास्त्रों के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए तैयार थे। श्री गणपति शास्त्री ने सुझाव दिया कि बारिश के देवता वरुण सिर्फ वरुण जप के माध्यम से ही आशीर्वाद बरसाएंगे। बिना समय बर्बाद किए और भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रसाद ने 1 नवंबर से इस अनुष्ठान को शुरू करने की योजना बनाई, लेकिन इसमें देरी का सामना करना पड़ा क्योंकि विद्वानों को इस निमंत्रण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे जैसे गोगर्भम जलाशय में पानी का स्तर गिर रहा था, प्रसाद की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि पानी की आपूर्ति एक सप्ताह से अधिक समय तक जारी नहीं रखी जा सकती थी। प्रसाद की मौन प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब देते हुए 7 नवंबर की आधी रात को लगभग 2 बजे तिरुमाला की पहाड़ियाँ श्रीवारी मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंज उठीं। यह असामान्य घटना मंदिर के कपाट बंद होने के बाद घटी। यह अकथनीय घटना पूरे तिरुमाला में गूंज उठी, जिससे भक्त स्तब्ध रह गए। जैसे जैसे तीर्थयात्री और निवासी सड़कों पर उमड़ते गए, रहस्य गहराता गया। आधी रात को एकांत सेवा के बाद मंदिर के दरवाजे सुरक्षित रूप से बंद थे। एक दिलचस्प सवाल उठा, जब अंदर कोई नहीं था तो घंटियां हम कैसे बज सकती थीं? हालांकि जैसे ही सुबह 3 बजे पारंपरिक सुप्रभात सेवा के लिए दरवाजे खोले गए, गहन तलाशी से पता चला कि उस समय कोई भी घंटी नहीं बजा सकता था। यह अस्पष्ट घटना वरुण जप के लिए भगवान की स्वीकृति के संकेत के रूप में कार्य करती है। वैदिक विद्वान, जिन्होंने शुरू में खुद को दरकिनार कर दिया था, अनुष्ठान के दिन पूरी ताकत से उपस्थित हुए। वरुण जप में विभिन्न अनुष्ठान शामिल थे, जिनमें गहरे पानी में खड़ा होना, अभिषेक करना, होमम करना और वेदों और शास्त्रों का पाठ करना शामिल था। संपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम धन्यवाद के प्रतीक के रूप में सहस्र कलशाभिषेकम के साथ समापन हुआ। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, प्रेस संवाददाताओं ने वरुण जप की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, यह दावा करते हुए कि इससे केवल आंसू निकले लेकिन वर्षा नहीं हुई। नास्तिकों ने अंधविश्वास और धन की बर्बादी का आरोप लगाते हुए प्रसाद और उनके अधिकारी के कार्यों का खुलेआम उपहास किया। अथक जांच और आत्मसंदेह के बीच भाग्य ने प्रसाद के लिए एक असाधारण कहानी सामने लाने का फैसला किया। यह सब एक अकेली बारिश की बूंद के साथ शुरू हुआ, जो प्रसाद के सिर पर खूबसूरती से उतर रही थी, मानो स्वर्ग से कोई दूत आ रहा हो। वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि इस सूक्ष्म संदेश वाहक ने बिजली और गर्जन के विजयी आयोजन के अनुरूप एक भीषण बारिश की शुरुआत का संकेत दिया था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बारिश लगातार होती रही, जो प्रकृति की मेहरबानी का एक झरना था।
पूरी तरह भीगे हुए प्रसाद इस अचानक हुई बारिश के महत्व को समझ नहीं पाए, जब तक कि मुख्य इंजीनियर ने बेलगाम खुशी के साथ एक उल्लासपूर्ण घोषणा नहीं की। गोगर्भम जलाशय, जो एक समय निराशा के कगार पर था, जीवनदायी पानी से भर गया, जो पूरे वर्ष के लिए सूखी भूमि को बुझाने के लिए पर्याप्त था। भाग्य के इस अप्रत्याशित मोड़ से अभिभूत प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उस मार्मिक क्षण में उन्हें उन दैवीय शक्तियों के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ जिन्होंने घटनाओं के इस चमत्कारी मोड़ को अंजाम दिया था। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ प्रसाद ने विनम्रतापूर्वक पवित्र देवता भगवान श्रीनिवास के सामने साष्टांग प्रणाम किया और उस दैवीय हस्तक्षेप को स्वीकार किया जिसने न केवल तिरुमाला के जल संकट को कम किया था बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बहाल किया था। बारिश, जिसे कभी महज मौसम संबंधी घटना के रूप में देखा जाता था, चमत्कारों की शक्ति में विश्वास करने वालों की अटूट भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हुई। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में बारिश ने राजसी तिरुमाला पहाड़ियों पर विशेष रूप से अपना आशीर्वाद बरसाया, जिससे इस बात पर गहन चिंतन हुआ कि क्या यह महज एक संयोग था या स्वयं भगवान द्वारा दिया गया दिव्य आशीर्वाद था। इस मनोरम घटना ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। वैदिक अनुष्ठान के रहस्यमय और पवित्र परिणाम पर आश्चर्य हुआ, अटूट भक्ति और स्थायी विश्वास की पुष्टि की जो तिरुमाला के मूल सार में व्याप्त है। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।